खबर में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बालाघाट जिले के लांजी से। आगामी त्योहार व पर्वों को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। नायब तहसीलदार सारिका परस्ते और थाना प्रभारी विजय देवड़ा की विशेष मौजूदगी में बैठक हुई संपन्न। आगामी ईद के त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन द्वारा सोमवार को शाम 5 बजे थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक को नायब तहसीलदार सारिका परस्ते और थाना प्रभारी विजय देवड़ा ने संबोधित किया, जहाँ समाज जनों ने शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का अनुरोध किया। जहां बैठक में आगामी पर मुख्य बिंदु पर बात हुई। बैठक में लांजी नगर एवं बिसोनी ग्राम के समाज जनों ने भाग लिया, जहां ईद पर्व नगर गौरवमयी परंपरा के अनुरूप शांति अनुरूप तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में मिलजुल कर मनाएंगे। शांति समिति की बैठक में चर्चा की गई कि पर्व के दौरान नगर में शांति एवं सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। खबर भारत न्यूज के लिए लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। पर्व को देखते हुए आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी, क्या निर्णय लिया गया? आज कल जैसे बकरीद है और आगामी त्योहारों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के पालन में ही और जो कोरोना अभी महामारी चल रही है इसके बचाव के लिए और कोरोना की जो गाइडलाइन जारी हुई है इसका पालन करते हुए शहरवासी त्योहार मनाएं और सुरक्षित रहें, इसके तारतम्य में आज यहाँ पर बैठक ली गई थी जिसमें तहसीलदार मैडम भी आई थी और सभी शहरवासियों ने भी इस चीज़ के लिए आगे रहकर कोरोना की गाइडलाइन पालन करने के लिए बताया है।